किस तरीके से मेरा नामांकन खारिज करने की साजिश रची जा रही है। एक नोटिस मुझे 3 बजे दिया जाता है कि आप इस पर जवाब दीजिए। जैसे ही हमारे तमाम वकील साथी मिलकर नोटिस का जवाब देते हैं तो एक देखिए यहाँ के डीएम अपने कानून को बदल देते हैं। ठीक 6:15 पे हमें दूसरा नोटिस दिया जाता है कि नहीं आप चुनाव आयोग दिल्ली जाइए और 11 बजे तक आप हमें चुनाव आयोग से लिखवा के दीजिए कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। आप मुझे ये बताइए देशवासी जो कानून के जानकार जब हम एफिडेविट दे चुके हैं सारे डॉक्यूमेंट दे चुके हैं 24 तारीख को जब हमने नामांकन किया किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया उन्होंने कहा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। जब हमने 29 तारीख को दोबारा नामांकन किया तब भी चुनाव आयोग की तरफ से हमें किसी प्रकार का कोई ऐसा आरोप नहीं था उन्होंने साफ कहा कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं आप चुनाव लड़ सकते। अचानक 30 तारीख को नरेंद्र मोदी जी के चमचे सरेआम फ्लाइट लेके और यहाँ पर पहुंचते हैं और अधिकारी के ऊपर दबाव बनाते हैं कि तेज बहादुर का नामांकन किसी हालत में खारिज किया जाए। रिटर्न अधिकारी मजबूर हो रहा है। देशवासियों से अपील है कि आज अगर भी अपनी आवाज नहीं उठाई तो ये लोकतंत्र की हत्या है तुम्हें गुलाम बनाया जाएगा। आज ये आप मौका है कि पूरा देश आज सड़कों पे आइए और मेरा समर्थन कीजिए क्योंकि ये सच और झूठ की लड़ाई है। सिर्फ और सिर्फ ये साजिश रची जा रही है इसलिए देशवासियों से मैं पहली बार ये अनुरोध कर रहा हूँ जो मेरे क्रांतिकारी भाई सुन रहे हैं कहीं भी है आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में ट्विटर पे फेसबुक व्हाट्सएप हर उसके ऊपर जवाब मांगिए कि तेज बहादुर का नामांकन करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया। कैंसिल करने का सारा आदमी का कर्तव्य बनता है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी बीजेपी सरकार की सत्ता को हिला के रख दीजिए। मेरा यही अनुरोध आपसे। हमारे को 11 बजे तक का समय मिला हुआ है। हमारे वकीलों की टीम सब लगी हुई है लेकिन आपका सहयोग सबसे जरूरी है क्योंकि जब इनको लगा कि तेज बहादुर ट्विटर पर टॉप 10 में जा रहा है इनकी पूरी टीम जो है खिलाफ पर लगी। यहाँ पर योगी और मोदी रात को 2 बजे सारे अधिकारियों से मीटिंग लेते अरे पंडित तुम्हें इतना खतरा है तो आइए सीधा सामना कीजिए पीठ पे क्यों वार करते हो। चैलेंज करता हूँ तुम सामने कि आइए मेरे चुनाव के अंदर पीठ पे क्यों वार करते हो। मैं चाहता हूँ मनी भाई 2 शब्द कहे। मैं देशवासियों से सवाल करना चाहता हूँ कि अगर जवान मीडिया में जाता है तो कानून का उल्लंघन हम किसके पास जाएं। अगर संवैधानिक तरीके से आज हम अपनी बात संसद के माध्यम से देश के समक्ष रखना चाह रहे हैं तब भी हमें रोका जा रहा है। सवाल है कि हम कहां जाएं? क्या हम आत्महत्या कर लें? क्या हम हथियार उठा लें? हमारे पास क्या तरीका है? जब आज हम संवैधानिक तरीके से तेज बहादुर की बात देश के साथ लाखों जवानों के साथ हम रख रहे हैं तो हमें रोका जा रहा है। सवाल क्या खाना खराब है? एक रोटी की शिकायत करना क्या बहुत बड़ी सजा है? सजा तब मुजरी में मैं पूछता हूँ देशवासियों से पूछे अपने वीडियो में क्या खाने की शिकायत करना जो कि एक राशन घोटाला है उस पे आप सजा आपका मुजरी कह रहे हैं? सजा आपका मुजरी में बलात्कारी अपराधी तमाम दरिंदे चुनाव लड़ रहे हैं गूंगी बहरी सरकार आज लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मैं सभी देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि आप जहाँ हो हर जगह उतरे शांति पूर्वक विरोध करे। बिल्कुल जो व्हाट्सएप पे है फेसबुक सोशल मीडिया आज हमें ट्रैक किया जा रहा है हमें न्यूज चैनलों में दिखाया नहीं जा रहा है हमारी बातों को दबाया जा रहा है। 1977 न करके मैं कहूँ कि एक बार फिर अंग्रेजी कानून लागू हो गया है हमारी आवाजें दबाई जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। हर देश का नौजवान छात्र मजदूर दलित जो भी राष्ट्र को प्रेम करता है इसको बात रखे कि क्या तेज बहादुर सजाता मुजरिम है? कहा जा रहा है सजाता मुजरिम है और रोका जा रहा है हमें। हम आज सड़कों पे उतर रहे हैं आज हम कचहरी का घेराव करेंगे हमें फांसी दो हमें कहो हम कहां जाएंगे क्या हम देश छोड़ दें क्या हमारा ये देश नहीं है। मैं पूछना था मैंने 31 साल पंकज मिश्रा तेज बहादुर रिपान पठान सुजय मंडल जलील ये सब क्या थे? आप एक ही बात कर रहे हैं हजारों है यहाँ पे आप आइए हमसे बात करिए हमने सामने हिम्मत है तो हम मरेंगे इसी काशी में दफना दीजिए अगर है तो हमारा देश है हम यही रहेंगे यही आएंगे। फिर एक बार अपील करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो इसका विरोध करें विरोध करें विरोध करें। क्या तेज बहादुर सजाता मुजरिम है? और मैं पूछना चाहता हूँ चुनाव आयोग से कि हमने कौन सी ऐसी सजगता की है कि जिस तरह से हमें कहा जा रहा है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हमें कोई सर्विस नहीं कर सकते हम ना कोई सरकारी में गवर्नमेंट में जा सकते हैं ना ही कोई प्राइवेट सर्विस कर सकते हैं। जब जो है नक्सली माओइस्ट भी चुनाव लड़ सकते हैं
गुंडे क्रिमिनल लड़ सकते हैं, और तो हम जैसे बर्खास्त जवान ही कौन से क्या गुनाह किया है कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे अगर विचारधाराएं आएंगी तो हम फिर जाएंगे क्या? हाँ।